हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ कमेंट एक देख लेते हैं। यहाँ हमारे एक स्टूडेंट है गुंजन अग्रवाल, तो उनका कमेंट आया है, थैंक्स फॉर मेकिंग वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। मोस्ट वेलकम गुंजन। आगे इन्होंने लिखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक वीडियोज रिगार्डिंग राइट्स, ड्यूटीज and liabilities of directors as soon as possible। तो देखिए गुंजन, बात ऐसी है कि जो ये लेक्चर था जिसमें मैंने कराई थी powers of director, तो powers and rights एक ही बात है, ये कोई अलग नहीं है। तो चाहे आप powers of director बोलो या rights of director बोलो, वो एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि rights of director हो चुका है। अब आज के लेक्चर के अंदर हम ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर करने वाले हैं। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी भी सेम चीज है, तो राइट्स ऑफ डायरेक्टर बोलो या पावर्स ऑफ डायरेक्टर बोलो एक चीज है, और ड्यूटीज या लाइबिलिटीज बोलो वो भी एक ही चीज है। तो ये चार नहीं है, टोटल मिला के दो ही चीजें हैं। समझ में आया आपको? चलिए, तो आज के लेक्चर के अंदर हम ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर को अच्छे से समझते हैं। तो हम हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर देते हैं ओपन, और यहां मैंने लिख रखा है सेक्शन नंबर 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ये जो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जो ये टॉपिक है, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, वहां पर लेस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सीए के अंदर भी कंपनी लॉ होता है, सीए में सीएस के अंदर जो कंपनी लॉ होता है, वहां पर ये टॉपिक बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है। बट बीकॉम और बीबीए के अंदर अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फुल थ्योरी टॉपिक है और बीकॉम एंड बीबीए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर ड्यूटीज बोलो या फिर आप बोलो लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, अगर आप सेक्शन नंबर 166 लिख देते हैं, आप बता देते हैं सेक्शन नंबर 166 के अंदर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर दे रखी है, तो 1 मार्क्स तो आपको इस सेक्शन नंबर का ही मिल जाता है। ओके, क्या ड्यूटीज होगी डायरेक्टर की, क्या लायबिलिटीज होगी डायरेक्टर की? तो सबसे फर्स्ट है कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल ऑफ कंपनी, जिसको हम एओए बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ये कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम बने हुए हैं, जो डायरेक्टर है वो उस आर्टिकल की अकॉर्डेंस ही काम करें। तो यहां क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजन दे रखे हैं, अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्ट, वो काम करे इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ कंपनीज, इनके हिसाब से ही उसको काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ, अच्छे फेथ के लिए काम करें। ओके, इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी, कोई भी कंपनी एस्टाब्लिश होती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अपन भी कुछ काम करते हैं तो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए गुड फेथ में काम करे डायरेक्टर, फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एज होल। जो कंपनी की मेंबर, कंपनी के मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए गुड फेथ, अच्छे के लिए डायरेक्टर काम करें। ओके, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के हित के लिए काम करें, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करें, वो भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लिए सबसे बढ़िया चीज है उसके लिए काम करें, वो चीज को एक्सेप्ट करे, ऐसा डिसीजन ले जो कंपनी के लिए बेस्ट हो, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए बेस्ट हो। ये डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स एम्प्लॉई द शेयर होल्डर, केवल कंपनी नहीं, बेस्ट इंटरेस्ट किसका? कंपनी का, कंपनी के एम्प्लॉय का, कंपनी के शेयर होल्डर्स का, द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी उसको काम करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। ओके जी, तो दो चीजें पढ़ी अभी हमने, आपको याद कैसे होगी? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ड्यूटी है कि कंपनीज एक्ट और जो आर्टिकल्स बने हुए हैं उनकी अकॉर्डेंस जो है किसी भी डायरेक्टर को एक्ट करना चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा कि डायरेक्टर जो है वो गुड फेथ में कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट, मेंबर्स के बेस्ट इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज के बेस्ट इंटरेस्ट, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए डायरेक्टर को काम करना चाहिए। ये डायरेक्टर की ड्यूटी है। ओके, थर्ड नंबर, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद द ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डेलिजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। देखो, डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए जो भी उसको रीजनेबल केयर करनी पड़े, जो भी उसको स्किल और डेलीगेशन अप्लाई करना पड़े और जो उसको निर्णय लेने पड़े वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट जजमेंट, मतलब कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगला बहुत अच्छा है इन सब से, और वो ये है कि अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व, कि कंपनी के डायरेक्टर को वहां इन्वॉल्व, शामिल नहीं होना चाहिए इन अ सिचुएशन, उस परिस्थिति के अंदर, उस सिचुएशन में किसी भी डायरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट्स। डायरेक्टर कभी भी उस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पर डायरेक्टर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो, और वो इंटरेस्ट होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो सकता है किसी चीज में, बट वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर कंपनी का भी इंटरेस्ट है, वहां पर डायरेक्टर का भी इंटरेस्ट है, लेकिन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर डायरेक्टर को वहां इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर कभी भी किसी कंपनी के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको गुड फेथ में काम करना होता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट और पॉसिबल मे कॉन्फ्लिक्ट। या तो कंपनी और डायरेक्टर के बीच वहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या पॉसिबल है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, वहां डायरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके जी, आया जी, बिल्कुल। तो अभी तक हमने चार चीजें पढ़ ली अच्छे से, आर्टिकल के हिसाब से कंपनी को काम करना चाहिए, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर, मेंबर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए गुड फेथ में काम करना चाहिए, डायरेक्टर जो है वो अपनी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करें, रीजनेबल केयर करें, स्किल और इंडिपेंडेंस क्या लें, जजमेंट लें, और डायरेक्टर को कभी भी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पर डायरेक्टर और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन हो। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट अचीव, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का अचीव नहीं कर सकता, नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव, ना तो अटेम्प्ट करेगा ना ही अचीव करेगा, एनी अनड्यू गेन, कोई ऐसा गेन, अनड्यू गेन और एक ऐसा एडवांटेज आइदर टू हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव, या इसका पार्टनर और एसोसिएट। ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टर को है ना इस प्रकार का कोई भी गेन नहीं होना चाहिए। किसको किसको नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर को नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटिव्स को नहीं होना चाहिए, उसके पार्टनर्स को नहीं होना चाहिए, उसके एसोसिएट्स को नहीं होना चाहिए। कैसा गेन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी गेन नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी एडवांटेजेस उसको नहीं होनी चाहिए। इफ सच डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी, कैसे, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन, एडवांटेज, अनड्यू गेन, एडवांटेजेस अगर डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव्स को, या उसके पार्टनर को, या उसके एसोसिएट्स को मिल रही है, तो वहां पर डायरेक्टर को वो अनड्यू गेन को अचीव नहीं करना चाहिए। ओके, इफ सच डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी, अगर डायरेक्टर उस अनड्यू गेन को, डायरेक्टर, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, उसका एसोसिएट, अगर उस अनड्यू गेन को जो है रिसीव करता है, अचीव करता है, तो वहां पर डायरेक्टर गिल्टी माना जाएगा, और ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल दैट गेन टू द कंपनी। वो गेन कंपनी को होना था, लेकिन डायरेक्टर ने इनडायरेक्टली उस गेन को अपने पास ले लिया, तो गिल्टी माना जाएगा डायरेक्टर, और जो भी गेन हुआ है वो सारा कंपनी का माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड। अगर जो डायरेक्टर है कंपनी का, वो किसी और को असाइन करता है ऑफिस या फिर एंड असाइनमेंट, या कोई असाइनमेंट देता है, तो वो पूरा जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, वॉइड मतलब व्यर्थ। If a director of the company contravenes the provision of this section मतलब सेक्शन नंबर 166 के अंदर जो 126 पॉइंट बताए गए हैं, कोई भी डायरेक्टर इसकी पालना नहीं करता है, गिल्टी करता है, तो उस पर जो है वहाँ लगाया जाएगा फाइन और पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट हो सकता है मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, तो अगर आप ये 6 पॉइंट और ये पनिशमेंट और सेक्शन नंबर लिख देते हैं तो इसमें आते हैं आपको फुल मार्क्स। तो इसी के साथ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, पावर्स, लायबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को अगर रिमूव करना हो तो वो कैसे होगा और उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं। आप इसी तरीके से वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को शेयर करते रहिए। आपका सपोर्ट हमें बिल्कुल चाहिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और सब्जेक्ट्स और लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियोज़ यूट्यूब पर लाते रहें। गुड बाय, थैंक यू।